आज क्या बना रही हो मम्मा? आज मैं बना रही हूँ चावल की सब्जी। अच्छा, जब हम छोटे थे तो हम कोई सब्जी ना, तो मेरी नानी कहती थी कि आज चावल की सब्जी बना लो। तब तो हम हैरान होते थे कि चावल की सब्जी क्या होती है, लेकिन जब बनती थी तो बहुत स्वाद बनती थी। और हम रोटी तो एक आधी खाते थे, सारे चावल ही चट कर जाते थे। तो इसके मेन इंग्रेडिएंट है चावल मोटे वाले, तो अच्छा या फिर आपके पास जो भी ले लो। और इसमें लहसुन खूब जाता है, तो अच्छा मैंने दो बड़े गट्ठे लिए थे, उनको बारीक काट लिया है। और चावल कितने लिए हैं आपने? एक गिलास ये वाला, अच्छा, छोटा एक गिलास चावल लिया है, हाँ, और एक चम्मच जीरा है, ठीक है। और दो गट्ठे लहसुन के लिए मैंने इनको काट लिया। ठीक है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। दो गट्ठी तेल को मैंने पहले गर्म करके रख लिया है स्मोकी होन पे, क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो इसमें हो पता नहीं चलता, इसलिए मैंने पहले गर्म कर लिया था ये। ठीक है, सरसों का तेल 2 कड़छी। अब इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, ठीक है, जीरा थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर आप क्या डालोगे? लहसुन। जीरा थोड़ा लाल हो गया, मैं लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अच्छा, हाँ, हल्का सा वजह से कच्चापन निकल जाए। ठीक है, मतलब इस सरसों के तेल में ही बनते हैं? हाँ, आप जिसे मर्जी बनाओ, पर सरसों के तेल में अच्छे करारे बनते हैं। अच्छा, बस अब ये देखिए इनका कच्चापन निकल गया है। ठीक है, तो अब इसमें मैं डालूंगी चावल। ठीक है, चावल आप टुकड़ी वाले भी ले सकते हैं, खिचड़ी वाले जो चावल होते हैं। खिचड़ी वाले? हाँ, अच्छा, इसको मिक्स कर रहे हो अच्छे से। हाँ, अभी इसमें नमक मेरे कुछ नहीं डाला? नहीं, ये पानी डालेंगे फिर हम नमक मिर्च डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा डालता है तो इसमें मैं 4 गुना पानी डालूंगी, बल्कि 4.5 गिलास ही डालूंगी मैं। ओके, मतलब पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि सब्जी बनानी, सब्जी पतली होती है। ठीक है, अब पानी डाल दिया, अब इसमें मैं नमक मिर्च और हल्दी डालूंगी। अच्छा, इसमें हल्दी कितनी डालेगी? 1 चम्मच। ठीक है, अपने हिसाब से डालें, वैसे इसमें अच्छे तेज थोड़े अच्छे लगते हैं मिर्च। बट अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो मिर्च कम ही डालें, क्योंकि ये अपना अपना मतलब हिसाब किताब है भी, आप मिर्च कितनी क्वांटिटी में लेते हैं। आप इसको चख लें, उसी हिसाब से डाल दें। अब बस हिला के नमक चख लें आप। नमक थोड़ा कम है मैं डाल रही हूँ, और बस इसको कवर करके 2 विसल आने तक पका लें। 2 विसल आने के बाद स्टीम अपने आप निकल जाने दें, प्रेशर रिलीज होने के बाद इसको खोल के हम फिर देखेंगे। 2 विसल आने के बाद प्रेशर रिलीज हो गया, अब मैं कुकर को खोलने जा रही हूँ। ये देखिए चावल हमारे कितने अच्छे बने हैं, चावल की सब्जी देखिए कितनी अच्छी बनी है, कलर कितना अच्छा रखा है, देखिए ये देखिए वाकई में, और खुशबू कितनी मजेदार आ रही है। अगर हम चाहें तो पानी कम डाल के इसको ऐसा चावल भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस कुछ लोग इसमें बढ़िया भी डालते हैं मोट की, या पापड़ भी डाल देते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसी अच्छी लगती है तो मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ। आप भी इसको जरूर बनाएं, बहुत अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा ये चावल की सब्जी बन के तैयार है। आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं, आम के अचार के साथ, आप इसको दही के साथ खा सकते हैं, आप इसको नमकीन लस्सी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, पूरी के साथ भी, परौंठे के साथ भी, जैसा आपको अच्छा लगे। आप इसको ऐसा चावल भी खा सकते हैं। तो आपको ये डिश कैसे लगी? बिल्कुल आसान डिश है, आप इसे ज़रूर बना के देखिए। और तो आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।